अयोध्या, जिसे आप सबको जय सियाराम। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। लगातार अयोध्या से वो रौनक हम आपको दिखा रहे हैं जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लता मंगेशकर चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ बैरिकेड किया हुआ है, लोगों को आने जाने की मनाही है, पुलिस मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। लोग अलग अलग जगहों से जुट रहे हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से, तमाम जगहों से लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने तरीके से अपनी खुशी दिखाने के लिए, रामलला के स्वागत के लिए। अयोध्या में लोगों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग जगहों से, जब मैं कह रहा हूं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत से, नेपाल से भी लोग आ रहे हैं। नेपाल, क्योंकि नेपाल को अगर देखा जाए तो भगवान राम का नेपाल से जो संबंध था, हम सब उसको जानते हैं। और उसी के लिए देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक महंत जी मौजूद है। तो आप अपना नाम बताइएगा, कौन सा आपका मठ है वो बताइएगा, कहाँ से आए ये बताइए। हमारा जनकपुर धाम के पास महोत्तरी जिला बलवा वाल्मीकि स्थान बलवा नगर पालिका में हमारा शुभ नाम महंत राम शंकर दास त्यागी। त्यागी जी, आप नेपाल से आए हैं और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, एक तो पहले कितनी खुशी मंदिर बनने की, और भगवान का मंदिर, अब तक भगवान टेंट में थे, अब वो मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, एक तो उसकी खुशी, और अयोध्या आप पहले भी आए हैं, तो किस तरह का बदलाव? ऐसा है कि अयोध्या पहले भी था और अभी भी अयोध्या है। हमने वो समय भी देखा हूँ कि जो गुजरात से जनता जो आई थी तो उन पर मारी गई, पीटी गई, पैर तोड़े गए, हाथ तोड़े गए। और हम वो समय भी देखे अयोध्या के अंदर में कि जो अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर बनने के लिए ईंटा जो आए थे साहेब, वो मंदिर रुक गए। उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी तो मंदिर की ईंटे जो है गलियों में, जो नालों में रहा। तो जो है इतना वर्ष को बाद भगवान को जो है मोदी पल्ला में, जो है प्रधानमंत्री मोदी साहब के पल्ला में और जोगी साहब को पल्ला में, जो है सो मुख्यमंत्री को पल्ला में, ये भगवान को उत्सव आया। तो एक कहावत है कि एक चौपाई है रामचरितमानस में कि राम कृपा नाशे सब रोगा, यही विधि बनी बनी संजोगा। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। जब उनकी इच्छा हो गया तो आज अयोध्या मय है। और कई लोगों को न्योता भी पठाए, कई धर्मगुरु को भी न्योता पठाए। तो धर्मगुरु भगवान के, भगवान को नीचे है सब धर्मगुरु, चाहे जो भी कोई है, साधु महात्मा। और भगवान को कृपा सब पर है, राजा रंग फकीर सब पर भगवान का कृपा है। अब भगवान का कृपा हो गया राम जी का, तो आज अयोध्या में जो है एक बड़ा सा उत्सव हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि जैसे कोई सो रहा था, जैसे कोई जा, ऐसा हो रहा था कि वो जगा बहुत जोर से। कोई तो साइकिल से आ रहा है, कोई डंड मारते आ रहा है, कोई उल्टे हाथे चल के भगवान को आ रहा है, एक ने गाय का गोबरे से स्नान कर रहा है, वही डंड खींचते आ रहा है। तो ये भगवान का कृपा है। इस सनातन में अभी भी ताकत है, अभी भी पावर है। जो जगी है भगवान 500 वर्ष के बाद जो है राम जी की कृपा से, वो कोर्ट निर्णय दिया। लेकिन एक बात बताइए बहन जी, बहुत से लोग कहते हैं कि इस पर राजनीति खूब हो रही है अयोध्या में, ठीक है विकास भी होना चाहिए, मंदिर निर्माण भी होना चाहिए, कोर्ट का आदेश आ गया था, इतनी राजनीति क्यों? कोई न्योता ठुकरा दे रहा है, कोई कह रहा है राजनीति है, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? अब ऐसा है कि मूर मतेतम भज गोविंदम तम भज गोपाल। अच्छा, मूर मत के लिए कुछ भी नहीं है, नास्तिक के लिए कुछ भी नहीं है। इतना लोग क्या होता है कि पढ़े लिखे भी होते हैं पर उसके पास में ज्ञान जो होता है अनपढ़ का ज्ञान होता है। भगवान को न्योता के लिए और राम जी के न्योता के लिए, स्थापित के न्योता के लिए, तीर्थ के लिए, माता पिता के लिए, गुरुजन के लंग, उसमें किसी न्योता की जरूरत नहीं है, किसी आग्रह की जरूरत नहीं है। वहां तो बिना पूछे ही चले जाओ आप। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी 500 प्रमाण दिए, हमारे राम जी की 500 इतिहास की प्रमाण दिए, जो दोनों आंख से विहीन है। लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि शंकराचार्य लोगों का कहना है कि जो मुहूर्त है या जिस तरीके से हो रहा है वो ठीक नहीं है, उसको कैसे देखें, उसको कैसे समझाइए? अब ऐसा है महाराज कि उनकी सोचने का नजरिया जो है ना, हर आदमी का नजरिया होता है, हर आदमी की तजुर्बा होता है, उनकी नजरिया उसी प्रकार का है। क्या उनका नजरिया उस प्रकार का, आपका नजरिया उस प्रकार का है, अब उनका धर्मगुरु का नजरिया उस प्रकार का है। पहले राजनीति सही किया जाए तो पहले राजनीति जो है, राजनीति का मतलब आप समझते हैं,
पहले धर्म नीति है तो राजनीति है, पहले धर्म नीति आया। आप पहले धर्म नीति नहीं लेते हो, पहले राजनीति किसी वस्तु में लगा देते हो। मठ मंदिर धर्म संस्कृति इत्यादि, गौ ब्राह्मण गंगा इत्यादि पर राजनीति होना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। भारत में गौ हिंसा बंद होना चाहिए और भगवान का राम जी का मंदिर जो इतिहास 500 वर्ष के बाद हमारो आप देख रहे हैं, वो अयोध्या मय बन रहा है और आप भी देख रहे हैं। वो तो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन आप मुझे जल्दी से मिथिला और भगवान राम का जो संबंध था उसके बारे में बताइए, दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि हमारे मिथिला जो है ना, अयोध्या, अयोध्या और मिथिला बड़ी भारी संबंध है देवता। जैसे हमारे राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हमारे राम जी भी इधर प्रगट हुए ना, वैसे हमारे जानकी जी भी प्रगट हुए मिथिला में। भय प्रगट कुमारी भूम विरारी जनहितकारी भयहारी अतुली छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। हमारे जानकी आज शक्ति जगदम्बा है। एक बार का समय था, हमारे मिथिलांचल का रिवाज है कि बेटी का दामाद का अनाज नहीं खाना। तो हमारी जानकी जी विवाह के अवध में आई अयोध्या में, तो राजा दशरथ से प्रश्न किए राजा जनक जी कि समधि साहेब कुछ अनाज और कुछ भूमि कुछ बर्तन दे दीजिए पैसा से। तो बोले हमारे रघुवंश का ऐसा कोई लिखा नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है और ऐसा देने का कोई नियम नहीं बनता है कि समधि को पैसे से मोल देना चाहिए। तो आप एक मनी का माला जो दिए हो तो हमको दो मनी का माला दे दो। तो जनक जी के पास तो एक ही मनी का माला था, उदास हो गए। तो माता जी बात समझ ली जानकी जी, बोले पिताजी क्यों उदास है? बोले यही बात है हमारे, बोले हमारे मिथिलांचल का तो गोबर में भरा हुआ है मनी। क्या बोले? हमारे मिथिलांचल का तो गोबर में भरा मनी महाराज। पिताश्री जाइए उस गोबर को उठाइएगा, नीचे से मनी मनी भरा होगा। तो पहले हमारे पहले पूर्वजों में बैलगाड़ी खटारा होती थी, तो खटारा से भर दिया, पूरा अयोध्या भर दिया, पहले मनी पर्वत बनाया। तो आज भी इतिहास है जो मनी पर्वत है, हमारा मिथिलांचल की गोबर से मनी भरी हुई। तो हमारा मिथिलांचल वो भूमि है और वो रतन है कि आज भी जानकी जी एक मुट्ठी चावल फेंक दिया है ना आते वक्त, तो वहां का पब्लिक भूखा नहीं रहता। ये कनेक्शन भी है देखिए मिथिला और अयोध्या के बीच में, और जिस तरीके से महंत जी बता रहे थे खास करके मंदिर के निर्माण को लेकर, ये बड़ा समझने की बात है। और लोगों के अंदर जो खुशी दिख रही है, अलग अलग प्रांत अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, खुद नेपाल से आए हुए हैं यहाँ पर महंत जी, अब आप अंदाजा लगाइए किस तरह की सुखद अनुभूति लेकर लोग आ रहे हैं और क्या सोच कर आ रहे हैं कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद उनको भी मौका मिलेगा रामलला के दर्शन करने का। लगातार हर अपडेट अयोध्या से आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।